हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में जो आजकल आपने न्यूज में सुना होगा, दैट इज कू ऐप। आपने कू ऐप के बारे में सुना होगा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और अगर आपने थोड़ी बहुत न्यूज देखी होगी। तो क्या है ये कू ऐप और इसके बारे में क्यों अचानक से बात हो रही है, इसके बारे में जानते हैं। और क्या ये बिल्कुल नया ऐप आया है या कोई पुराना ऐप था जो अचानक से अब फेमस हो रहा है और कहाँ से इसका ओरिजिन है, इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि कू ऐप है क्या। तो कू ऐप आप सभी जानते हैं, जैसा कि कू ऐप आपका ट्विटर जैसा एक देसी संस्करण है। ट्विटर का आप देसी संस्करण जाने, अगर भारतीय संस्करण की बात करें तो कू ऐप आपका एक भारतीय संस्करण है ट्विटर का। आप सभी जानते हैं ट्विटर पर आप ट्वीट करते हैं, सेलिब्रिटीज को ट्वीट कर सकते हैं, सरकार को ट्वीट कर सकते हैं, सरकार के मिनिस्टर्स को ट्वीट कर सकते हो, क्योंकि सभी लोग वहां पर उपलब्ध हैं और आप उन्हें हैशटैग चला सकते हैं, अपनी किसी मुहिम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एसएससी के छात्र अक्सर हम लोग बात को बढ़ाते रहते हैं और कोशिश करते हैं अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की। तो ये भी एक ट्विटर की तरह ही देसी वर्जन है, ट्विटर का भारतीय संस्करण है, जिस पर आप हैशटैग चला सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, किसी को टैग कर सकते हैं, किसी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जैसे हम ट्विटर पे किसी भी बात को कहने को ट्वीट करते हैं, तो हो सकता है कि आगे जाकर हम कू पर कही जाने वाली बात को कू कहें। चलिए अब इस आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का इसका इंटरफेस है और क्या है। इस ऐप को आप iOS से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में और उस पर आप बिल्कुल ट्विटर के जैसे ही अपना अकाउंट बनाकर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। कू ऐप के पीछे कौन है और कौन का फाउंडर है, कहाँ से इसकी बात शुरू होती है, तो इसके बारे में बात करें। तो ये जो कू ऐप है ये फाउंड किया गया है अपरामिया राधाकृष्णा एंड मयंक बिद्वाटका के द्वारा। तो राधाकृष्णा और मयंक दो लोग हैं जिन्होंने इस ऐप को बनाया है। ये ऐप इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐप इन्होंने बनाया है, ये लोग काफी पुराने ऐप बनाते हैं। राधाकृष्णा ने जो है ऑनलाइन कैब सर्विस बनाई थी टैक्सी फॉर श्योर नाम से, जो कि बाद में ओला कैब्स को उन्होंने बेच दी थी। और इसकी जो इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका एक और ऐप शायद आप लोगों ने चलाया हो, मैं उस ऐप पर उपलब्ध था, कोरा का ही देसी संस्करण वोकल। वोकल पे आप हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी में अपने ऑडियो मैसेजेस, ऑडियो सवालों को, ऑडियो आंसर्स को डाल सकते हैं किसी भी सवाल के लिए। इसलिए ये वोकल ऐप फेमस हुआ था कोई एक दो साल पहले, अभी भी चल रहा है। तो वोकल ऐप के जो फाउंडर हैं और कू ऐप के जो फाउंडर हैं वो सेम है और दोनों की पेरेंट कंपनी भी सेम ही है। तो ये ऐप वोकल के जैसा ही, मतलब वोकल में भी हिंदी में है, कू ऐप की भी खास बात यह है कि एकदम प्रॉपर हिंदी में बात करता है। अगर आप उसमें लैंग्वेज चेंज, मतलब इसकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो हिंदी है, अगर आप अंदर जाके लैंग्वेज चेंज करेंगे तब जाके वो इंग्लिश में काम करता है। तो ये इसकी एक खास बात है। और अगर हम बात करें कि क्रंचबेस डाटा के अकॉर्डिंग, तो इसको 2018 में आपको फंडिंग मिली थी ब्लूम वेंचर्स, कलारी कैपिटल्स और एसएल पार्टनर्स के द्वारा। जो लेटेस्ट फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि फॉर्मर इंफोसिस सीएफओ टीवी मोहनदास पाइज जो हैं 314 कैपिटल आल्सो जॉइन द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजी, यानी कि इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है इस ऐप में। तो इनके जो फाउंडर हैं वो अपरामिया राधाकृष्णा और मयंक बिद्वाटका। इसकी ये जो जानकारी है मैं इंडियन एक्सप्रेस से आपको दे रहा हूँ। अचानक से इस ऐप के बारे में बात करना क्यों शुरू हो गई और क्यों ये ऐप अचानक से फेमस हो रहा, तो ये ऐप फेमस हुआ है पीयूष गोयल के ट्वीट के जरिए। पीयूष गोयल ने कल यानी 9 फरवरी को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, आई एम ऑन कू, कनेक्ट विद मी ऑन दिस ट्विटर माइक्रो इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एक्साइटिंग एंड एक्सक्लूसिव अपडेट्स। और इन्होंने अपनी कू प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर शेयर किया था। ये पिक्चर इन्होंने साथ में लगाई थी जिसमें वो आत्मनिर्भर अवार्ड विनिंग ऐप की बात कर रहे हैं। यस, कू ऐप को आत्मनिर्भर अवार्ड विनिंग ऐप माना गया था, इसको अवार्ड मिला था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये वहाँ पे उपलब्ध हैं। आप लोग भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा कू ऐप पर और कौन कौन है, तो सर्वल बीजेपी लीडर्स जैसे कि रविशंकर प्रसाद, एमपी शिवराज सिंह चौहान, गवर्नमेंट के और सारे ट्विटर हैंडल्स लाइक मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, डिजिटल इंडिया, इंडियन पोस्ट, आपका एनआईसी, समीर, कॉमन सर्विसेज सेंटर, उमंग ऐप, ये सारे ऐप्स, ये सारी हैंडल्स वहाँ पर बन चुके हैं और बहुत सारे न्यूज वेबसाइट्स के भी हैंडल्स वहाँ पे बन गए हैं। इसके अलावा कुछ सेलिब्रिटीज लाइक सदगुरु और अनिल कुंबले जैसे लोग भी वहाँ पर उपलब्ध हैं और आगे जाकर इन लोगों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस ऐप को पुश कर रही है इसका मतलब कि अचानक बहुत ही जल्द बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इसकी प्रोमिनेंस क्या है और क्यों ये फेमस है, व्हाट, ये जो ऐप है ये अर्ली 2020 में बना था, यानी पिछले साल के शुरुआत में ये ऐप बना था। इस पार्टिसिपेशन एंड सब्सिक्वेंट विनिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज, आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज में ये
पार्टिसिपेट किया था और जीता था, जिसकी वजह से ये अचानक से न्यूज में आया। और द ऐप अलॉन्ग विद अदर इंडियन एप्स लाइक जोहो और चिंगारी, चिंगारी जो है वो आपका इंडियन वर्जन ऑफ टिकटॉक है, तो इस तरीके से ये ऐप फेमस हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पुश कर रही है जिससे कि हमें विदेशी ऐप्स पर ज्यादा निर्भर ना होना पड़े। ठीक है, तो आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज में ये ऐप जीता था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में इसे एड्रेस भी किया था। इसके अलावा अगर बात करें कि गवर्नमेंट अचानक से क्यों पू पर जा रहे हैं गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स और क्यों सारी लोगों के बारे में बात हो रही, तो इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जैसे आप सभी जानते हैं कुछ दिनों पहले सरकार और ट्विटर के बीच में तनातनी चल रही थी, क्योंकि सरकार कुछ कह रही थी कि आप इन लोगों पर एक्शन लीजिए इन ट्विटर हैंडल्स पर, ट्विटर ने हैंडल पर एक्शन न लेने के बजाय उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड किया था, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि सरकार एक ट्विटर का अल्टरनेटिव तलाशने में है जिससे कि पूरी निर्भरता जो है वो ट्विटर के ऊपर ना रहे और हमारे अपने देसी ऐप यानी कि इंडियन वर्जन पे आप ज़्यादा निर्भर हों। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इसे पुश कर रही है। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा इसके बारे में मैं आपको देता रहूँगा। और अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो पैरा जंबल्स का बैच मेरा 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पैरा जंबल्स अगर डिटेल में पढ़ना है तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। दोपहर में 1 बजे इसमें क्लास होगी। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश है, स्टेनोग्राफर, ये सारा इस कोर्स में कंप्लीट इंग्लिश की क्लास चल रही है, बिल्कुल बेसिक से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 8 बजे। इसके अलावा एरर डिटेक्शन का बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें शाम को 4 बजे क्लास होती है। वोकैबुलरी का बैच 15 फरवरी से शुरू है, इसमें शाम को 4 बजे क्लास होगी। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बैच चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट के एमसीक्यूज हम लोग करते हैं। अगर आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 6500 रुपीज़ का मिलता है, जो कि आपको रेफरल कोड के बाद सिर्फ 5850 का मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8299117042, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अमन त्रिवेदी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए अमन त्रिवेदी, आपको मेरा ये चैनल मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, अमन त्रिवेदी में डबल आई लगा देंगे आखिरी में, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ जितनी बात बताई आप सभी को पता चले होगा और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।